पहले सीबीएसई परेशान और उलझन में थी कि वह अपने क्लास 10th एंड क्लास 12th के टर्म 2 एग्जामिनेशन को लेकर क्या करे। अब सीआईएसई के लिए भी वही राहें एकदम विकट हो गई है कि आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएसई क्लास 12th सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का पेट कैसे सही होगा, यानी कि इसे भी क्या खत्म कर दिया जाए। जिस तरह से हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 अपने चरम पर है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट की ये डिमांड बहुत सारे लॉजिकल फैक्ट के साथ सामने आए हैं, उनमें यह कहा जा रहा है कि अभी 90-92% स्टूडेंट नहीं चाहते हैं कि सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इस माहौल में हो, और यदि यह माहौल काफी इम्प्रूव्ड भी होते हैं तो स्टूडेंट के जो प्रेजेंट बाइफर्केटेड सिलेबस आईसीएसई एंड आईएसई के हैं उनमें 50% का रिडक्शन होना चाहिए। यह बात कई स्कूलों ने सीआईएसई को रिकमेंड किया या अपनी तरफ से बातें सीआईएसई के सामने रखी है, और यह एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस विषय पर 26 जनवरी ऑनवर्ड काफी कुछ विचार किया जाना है कि किस तरह से सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट को कंसेशन दिया जा सकता है, क्योंकि स्कूलों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वे जो बाइफर्केटेड आईसीएसई एंड आईएसई के सिलेबस है कंप्लीट नहीं कर सकते, चाहे वो 8 आवर के बजाय 12 आवर के क्लास कंटिन्यूअस क्यों नहीं ले ले, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉपर सम करवा पाना, सीआईएसई के द्वारा रिकमेंडेड बुक से सभी एक्सरसाइज करवा पाना, कंसेप्ट दे पाना और उसके हिसाब से सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करवा लेना इतनी आसान नहीं है, और इसके लिए कम से कम 4 मंथ का डिमांड किया गया है, जो कि जनवरी एंड होते होते सीआईएसई को देना असंभव है। मार्च एंड से सीआईएसई के हिसाब से ये सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन है, और इस एग्जामिनेशन को अप्रैल के बाद मई जून में बढ़ाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके बाद कई सारे टेक्निकल इशू हो जाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के टाइम बढ़ाने से जो भी ऑनगोइंग क्लास 10th एंड क्लास 12th के फ्यूचर होंगे प्रभावित होंगे, उनके एकेडमिक सेशन बढ़ जाएंगे, ये बातें कही गई हैं। इसलिए जो कैंसिल #cancelboardexamination 2022 की मांग की गई है, इसमें स्टूडेंट ने कहा कि सिलेबस के फर्दर कर्टेल करने के बाद ही इन एग्जामिनेशन के कंडक्शन हो सकते हैं, जिनको टीचरों और देश भर के कई स्कूलों ने कंप्लीटली रिकमेंड करते हुए कहा है कि स्टूडेंट की जिसम जो तैयारी है, और मैं देख रहा था आईसीएसई का यूनाइटेड नेशन एंड देयर एजेंसी सिविक्स का ये चैप्टर, तो इसमें कंसेप्ट के बाद जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, और जिस तरह से सीआईएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दे दिया है हिंदी का, वो भी काफी कुछ डिफिकल्ट लेवल को छूता है, और उसके सब्जेक्टिव में टेक्निकलिटीज के कारण इंग्लिश भी कई प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है। वही आईएसी की आप किसी भी हेल्प बुक को उठा के देख लीजिए, मेरे पास स्माइल गुरुकुल का यह हेल्प बुक है, और जब आप इसके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को देखते हैं या फिर इसके स्टडी मटेरियल को देखते हैं तो लगता है नियरली इम्पॉसिबल टू टच एंड कंप्लीट विद इन 2 मंथ, और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने हैं। तो ये जो सिचुएशन सामने आया है इसमें स्टूडेंट के सामने डिफिकल्टी की पोजीशन है, और इस बात को ना इधर सीआईएसई समझ रही है न ही जो भी इसके जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उन समझ रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट की जो बातें कही जा रही है कि इन एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन ही एकमात्र या अल्टीमेट ऑप्शन बच रहा है, तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।